हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइको वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रोज समन। तो गाइस, जैसा कि आज आप देख पा रहे हो, आज मैं आया हूं यहां जयपुर ओकिनावा पे, जो कि राजा पार्क गोविंद मार्ग से लोकेटेड है। एंड आज मैं यहां पे इस गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूं। तो कैसा है इसका राइडिंग एक्सपीरियंस, कैसे ये गाड़ी चलती है, कैसे ऑपरेट होती है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या रहता है इसमें। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों के पास ये गाड़ी आ चुकी है एंड अब हम इसका जो है राइडिंग एक्सपीरियंस नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको इग्निशन स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी जैसे कि ये पी मोड पर है, पार्किंग मोड पर है, तो इसको हम हटाने के लिए जो है यहाँ पे जो पार्किंग बटन है इसको प्रेस करेंगे एंड अब ये अनलॉक हो चुका है। अब मैं इस गाड़ी को चला सकता हूँ। तो ये सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये लोअर सीट पर है अभी। तो लोअर सीट पर देखते हैं कैसा क्या रहता है सबसे पहले। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा है कि गाइस डिस्क ब्रेक है इसके अंदर, तो मैं पैर जो है इसी साइड पे रख लेता हूँ ताकि जो है मुझे चलाने में भी आसानी हो जाए। एंड वैसे नहीं हो पा रहा, कंफर्ट तो नहीं आ पा रहा मुझे, एंड इसको मैं इस तरह से भी चला सकता हूँ। वैसे राइडिंग के लिए तो वैसे काफ़ी बेस्ट है एंड आप किसी भी तरह का लोड इसमें यहाँ पे आगे भी रख सकते हैं एंड जो है बीच में भी रख सकते हैं। इस जगह पर यहाँ पे भी आप रख सकते हैं सामान। पिकअप तो बहुत ही मतलब शानदार है, गजब मजा आ गया। पिकअप शानदार है, ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है एंड जो कि मैं यहाँ पे जो स्पीड में देख पा रहा हूँ, एक बार मैं स्पीड की तरफ भी लेके जाता हूँ इसको, तो ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे स्पीड भी काफी अच्छी बन रही है। एंड मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है मतलब डबल मोड लगाने की, मतलब कोई दूसरा हाई मोड लगाने की हाई स्पीड का, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे ये वैसे ही इतनी तेज चल रही है कि मुझे चलाने में भी थोड़ा वो लग रहा है, या फिर मैं कभी इस तरह का स्कूटर मैंने कभी राइड नहीं किया है, तो माइट बी पॉसिबल ये एक रीज़न हो सकता है कि मैं अच्छे से जो है इसको चलाने में घबरा रहा हूँ या फिर क्या फीलिंग आ रही है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। बट हाँ, मज़ा बहुत आ रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगा, मज़ा बहुत आ रहा है। तो ये है, आप खींचने का मौका मिला है, आप थोड़ा सा तेज चला के देखते हैं। एंड जो मैं यहाँ पे स्पीड नोट कर पा रहा हूँ वो है यहाँ पे 39-43 तक की स्पीड मैंने यहाँ पे नोट की है अभी अभी। एंड अभी तो और भी चलाना है और चला के देखते हैं एक बार। मज़ा बहुत आ रहा है गाइस, मैं ये तो मैं कहूँगा ही कहूँगा। ब्रेकिंग इतनी स्मूथ है ना, मतलब पिकअप भी है इसका, इतना हार्ड पिकअप है, इतना शानदार पिकअप है, मतलब आप देख पा रहे हो एक एक पिकअप में मतलब ऐसे गाड़ी उछल रही है, तो ये काफ़ी सही लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। क्योंकि इतना हैवी इतना पावर होना, तो ये मतलब इस तरह के स्कूटर में वो भी, क्योंकि ये स्कूटर जो है अब जो लोडिंग के लिए रहता है, लोडिंग के लिए जो स्कूटर रहते हैं उनमें भी अगर इतनी हैवी स्पीड हो तो बात ही क्या है। देखते हैं, इसको घुमा लिया है मैंने फिलहाल और अब मैं इसको जो है लेके चलता हूँ वापस से। ये देखिए ये जो ब्रेकिंग्स है, तो ब्रेकिंग गाइस इसकी ब्रेकिंग बड़ी गजब है, मतलब आप किसी भी हैवी लोड के साथ भी अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हो तो ब्रेकिंग काफी अच्छी लग रही है। हम लोग आ गए हैं अभी ब्रेकर, मतलब पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कंफर्टेबल भी ठीक ठाक है एंड मतलब अब अगर मैं लोडिंग पर्पज से अगर देखूँ तो उसके हिसाब से तो परफेक्ट है ही है, प्लस अगर मैं इंडिविजुअली भी चलाता हूँ इसको वैसे भी बिना किसी लगेज के, तो भी जो है काफ़ी अच्छा मज़ा भी आ रहा है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है एंड टोकर भी काफ़ी सही है इसके जो सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन वाइज भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मतलब जॉक्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। और गाइज लिटरली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके अंदर कि जैसे कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा हूँ ना, तो ओ माय गॉड साउंड भी बहुत अच्छा है इसका, हॉर्न का हॉर्न भी अच्छा चल रहा है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके अंदर कि जो इसकी सुपर सस्पेंशन क्वालिटी है, मतलब उसको शायद इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, इस तरह से इसको जो है पूरा डिज़ाइन इसका बनाया हुआ है कि मतलब कम्फर्ट ठीक है, कंफर्ट के अलावा अब जो इसमें जो केयरिंग के लिए जो यहाँ पे लगेज सेट करने के लिए जो स्पेस दिया हुआ है, अब मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आगे की साइड पे अगर कोई हैवी वेटेड लगेज होता या पीछे की साइड पे कहीं हैवी वेटेड लगेज होता, तो मतलब क्या ही कहना है, गाड़ी ऐसी दबके चलती ना और ऐसी शानदार चलती, मज़ा आ जाता। अभी तो जैसे लाइक ऐसे पिकअप उठा रही है, मतलब ऐसे लाइक
लाइक दिस। तो ये मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो गया है ये तो एकदम ही, और इसको जो है चलाने में मज़ा भी बहुत आ रहा है वैसे देखा जाए तो। वैसे आई एम सॉरी गाइज, अभी इसके अंदर कोई साइड मिरर्स नहीं लग रहे हैं, तो साइड मिरर की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और अभी मैं रॉन्ग साइड भी चला रहा हूँ, तो मुझे साइड मिरर की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए इस टाइम पे। इनफैक्ट मुझे ज़रूरत फील भी हो रही है, बट अभी जो है शोरूम से जैसे मिली है मैं वैसे ही ले आया हूँ। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये जो वीडियो है आज का पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।